अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद आप खैरियत से होंगे, चल कर होंगे और मौज मस्ती चल रही होंगे। तो चलें जल्दी से हम कर लेते हैं कुकिंग। और हमने ले लिया ऑयल और शुगर ले लिया है, बादाम ले लिए हैं और पिस्ता ले लिया है और इलायचियाँ ले ली हैं और सेवैयाँ ले ली जो सबसे बड़ी चीज़ है, और किशमिश ले लिया हमने। इसमें आप ग्रेवी ऐड कर सकते हैं, कोकोनट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने नहीं की। और चूल्हे के ऊपर हमने रख दिया पैन, पैन के अंदर हम डाल दिया हाफ कप ऑयल डालेंगे। तो ये जैसे ही गर्म होगा फिर हम इसको सेवैयाँ जो है ना दोनों पैकेट में से निकाल लेंगे, और निकालने के बाद हम उनको थोड़ा तोड़ मरोड़ लेंगे, तोड़ छोड़ के इसके अंदर डाल देंगे बेचारी को, इतनी गर्माइश में डाल देंगे और बेचारी पहले रोस्टेड हैं फिर और भी ज़्यादा बेचारी हो जाएंगी, जल जाएंगी। चलो जी, थोड़े से हमने डाल दिए इसमें खुशबू के लिए छोटी इलायचियाँ। अब हम इसमें डालेंगे सेवैयाँ। सेवैयाँ डालने के बाद जो है, कोई सेवैयाँ कहता है, कोई सेवैयाँ कहता है, चलो जो भी है सेवैयाँ हैं, सेवियाँ हमने डाल दी हैं, सेवियाँ हमने डाल दी हैं जो हम कहते हैं, हम तो सेवियाँ कहते हैं, सेवियाँ हमने डाल दी हैं। अब हम चम्मच चलाएँगे और इसको थोड़ा सा बेचारी को भून लेंगे, इसकी आपकी टीवी बड़ी ख़राब होनी है। बेचारी को चला बना के मुझे रख दिया उन्होंने खाने के लिए, मेरा हशर कर दिया उन्होंने, ऐसे ही बोलेंगी ना। तो चलें जी, अब इसने हमने इसको भून लिया, इसने हमें नहीं भूना, हमने इसको भून लेना है थोड़ी सी देर, 2 से 3 मिनट, 4 मिनट हमने इसको भून लेना है। जब इसकी खुशबू आएगी और हल्की हल्की से ब्राउन होना शुरू हो जाएगी ना, ज़्यादा ब्राउन ना कर देना या ना जल दें और फिर मुझे सुनवा रही है आप लोग, तो थोड़ी सी आपने भून लेनी है। भूनने के बाद जो है ना इसके अंदर आपने डाल देना पानी, यहाँ पर आपने चूल्हा ज़रूर बंद करना। पहली तो जब मैंने बनाई थी ना, मेरा भी हाथ जल गया था, क्योंकि अक्सर ये होता है कि आग लग जाती है। तो आपने चूल्हा बंद करना है और फिर 2 गिलास पानी इसमें डाल देना है, इसको थोड़ा सा ठंडा कर देना है, क्योंकि फिर हमने दोबारा से इस बेचारी से शीरा डाल के इसको थोड़ा मीठा करना है, इसको प्यार प्यार से हमने इसको बनाना है खाने के लिए, इसको बनाना है थोड़ा सा ठंडा करके। अब हमने इसमें डाल दिया शुगर, आपने फ़ौरन चूल्हा बंद करना है, फिर पानी डालना और फिर चूल्हे को ऑन कर देना, काफ़ी देर नहीं लगानी आपने, बस सिर्फ पानी डालने के लिए चूल्हा बंद करना। और हम डाल दिए किशमिश, बादाम, पिस्ता, जो भी आप डालना चाहते हैं, गरी डालना चाहते हैं इसमें, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है। मैं तो किशमिश और गरी की जो है ना बहुत मुझे मज़ा आता है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरी अम्मी डालती थी इसलिए मुझे भी वही अच्छी लगती है। बाकी बादाम भी डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं आप, काजू डाल सकते हैं, जो कुछ रखा हुआ है सारा कुछ डालते हैं, आपने खाना तो आप नहीं लेना। तो हमने इसमें डाल दिया पिस्ता और बादाम जो है ना वो हमने रख दिए हैं, थोड़े से इसमें ऐड करेंगे, थोड़े से बाकी इसकी डेकोरेशन करेंगे, इसको थोड़ा सा प्यारा प्यारा सा बनाएंगे, फिर इसको हम खाएंगे ताकि हमारे मुंह में पानी आए देख के। इस बेचारी को सजाएंगे, संवारेंगे, इसको जला बना के। अब हमने इसमें अंदर देखें पानी जो है ना वो खुश हो गए, इस टाइम पर आपने चख लेना। हाफ कप हमने इसमें 6 टेबल स्पून जो है ना हमने इसमें डाले थे शुगर, और जब हल्का हल्का पानी होगा ना तब आपने टेस्ट कर लेना कि आपको हल्का चाहिए, मीठा चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो 4 टेबल स्पून पहले डाल दें, फिर थोड़ा सा और डाल दें। लेकिन जल्दी जल्दी वाला काम है ये, क्योंकि ये सेवैयाँ जो है ना ये सोक कर लेंगी पानी को, बस फिर उसके बाद हमने इसको दम दे देना। इतनी जल्दी तैयार हो जाती हैं, वरना मेरी अम्मी बनाती थी, वो शीरा बनाती थी, शीरा बना के फिर उसके बाद सेवियाँ बुनती थी, फिर उसके अंदर वो शीरा डालती थी। खैर मेरा हाथ जिस शीरे से जला था उससे आग लगी थी। तो हमने खूबसूरत सी प्लेट ले ली है, देखिए कैसे बना रही हूँ इसको, और पानी जो है ना खुश्क हो चुका है, 5 मिनट अब आपने दम देना है, दम उतार लेना है, फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर डेकोरेशन कर लेनी है। आपने पिस्ता डालना है, बादाम डालना है, काजू डालना है, गरी डालनी है, जो चीज़ डालनी है वो डाल सकते हैं। आज जनाब सेवैयाँ तैयार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, इंजॉय करें।